हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारा एक नया वीडियो में। सविता गोपाल फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं, भगवान से हम यही कामना करते हैं और हम लोग भी रक्षाबंधन अच्छी तरह से मना रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जो है मैं पनीर का एक स्पेशल सब्जी बनाने वाला हूँ, बिल्कुल विलेज स्टाइल में, देसी स्टाइल में, जो गाँव में बनाते हैं हम लोग एकदम कम खर्च में। तो आइए हमारे साथ और देखिए कि मैं किस तरह से पनीर की सब्जी बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं पनीर बनाने जा रहा हूँ और ये पनीर देख लीजिए, पनीर का पैकेट। अभी मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से। ये देखिए पनीर है, पूरा टाइट है, पूरा जमा हुआ है अच्छा से। अब इसको मैं ऐसे काट दूंगा। काटने बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसको दबा दबा के हम काट रहा हूँ मैं ज़ोर से, ताकत ज़्यादा लग रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ है। उसके बाद इसको पीस पीस कर लूँगा छोटा छोटा टुकड़ा में। और ये पैकेट वाला पनीर जो है बहुत ही अच्छा होता है, इसको खाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि थोड़ा टाइट रहता है। और इसको ऐसे बारीक बारीक में काट लिया हूँ। इस तरह से पूरे काट दिया हूँ, इतना हुआ है। और ये मसाला जो मैं पहले से काट के तैयार रखा हूँ, इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लूँगा। इसमें है टमाटर, लहसुन, मिर्ची, प्याज, अदरक, और इस तरह से मेरा तैयार हो चुका है पनीर के सारे मसाले। ये दूध रहा और ये नमक, हल्दी और ये सारी सामान जिसका पेस्ट है, पहले मसाला बनाया था। और जब ही गर्म हो चुका है मेरा कढ़ाई, तो मैं इसमें अभी तेल डाल दूंगा, राई का तेल। पहले पनीर को मैं फ्राई कर लूंगा क्योंकि तेल अभी गर्म हो चुका है, तेल गर्म होने के बाद पनीर को फ्राई कर लेता हूँ। अभी फ्राई हो चुका है पनीर, अभी मैं निकाल लूँगा इसको। पनीर फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लिया हूँ। अभी सब्जी बनाना स्टार्ट करता हूँ।
पहले थोड़ा जीरा डाल दूंगा, जीरा में पहले से लिख रखा था, थोड़ा जीरा डाल दिया हूँ। और ये पेस्ट जो मैं बना के रखा था मसाले का, तो उसको डाल देता हूँ। अच्छे से थोड़ा फ्राई करूँगा। फ्राई होने के बाद जो है इसमें मसाला डालना भी बाकी है। अभी हल्दी डाल देता हूँ थोड़ा। धनिया का पाउडर है ये, इसको डाल दिया हूँ। अब इसको थोड़ा मैं फ्राई करूँगा, धीमी आंच पे फ्राई करना है, धीमी ताव पे। और ये दूध थोड़ा लिया था, इसमें पनीर का मसाला जो है मिक्स कर देता हूँ। हमारा मसाला फ्राई होने के बाद जो है ये डालूँगा इसमें। अच्छे से फ्राई करने के बाद ही इसमें पानी डालना है। अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी पानी डाल दिया हूँ। उसके बाद जो है पनीर जो फ्राई करके रखा था उसको भी डाल देता हूँ। कुछ टाइम जो है मैं इसको उबलने दूंगा। और अभी जो है सब्जी मेरा रेडी हो चुका है, बनके तैयार हो गया है। इस तरह से देखने में अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बनी है सब्जी, देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग मैं और सारे टेस्ट करके देखूंगा कि पनीर का सब्जी कैसा बना है। पनीर का सब्जी है और ये बिरयानी है, चावल का जो वेज बिरयानी है जो मैं बनाया था। अभी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगा है, कैसा बना हुआ है। और कैसा बना हुआ है, अच्छा बना है, खाने में मजा आ रहा है। अच्छा बना हुआ है, खाने में मजा आ रहा है। I've changed for the better this time. I
थैंक यू दोस्तों, ये ब्लॉग जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में जो है हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई उत्साह, एक नई उमंग के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।